बिहार के कई जिलों में सांप डसने के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में नालंदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसने सांप को एक टिफिन में बंद कर लिया और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने जब उसे पूछा कि कौन से सांप ने काटा है, तो युवक ने टिफिन से उस सांप को निकाला और कहा इसी सांप ने काटा है। इस दौरान अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो तस्वीरें नालंदा की, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने उस सांप को एक टिफिन में भरकर उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। जब डॉक्टर ने पूछा उससे कि किस सांप ने काटा है, तो यहां पर उसने उस टिफिन को खोला, सांप को निकाला और दिखाया कि इसी सांप ने काटा है। अस्पताल परिसर के लोगों को हुई तो सभी की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और सभी सांप को देखने के लिए वहां पहुंच गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई है और युवक के इस तरह के कारनामे के बाद सब कोई वहां पर पहुंचकर सांप को देखने में जुट गया है। अभी तो कुछ ठीक है। दिखाने के लिए इनको अस्पताल वाला को विश्वास ऐसे ना होता है कि कौन सांप काटा है न काटा है, इसलिए लाए। बबलू कुमार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी ऋषिकेश का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, यहां पर सांप काटने के बाद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां युवक टिफिन में सांप को भरकर अस्पताल लेकर पहुंच गया, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये परवरपुर इलाके का, लड़वाड़ी इलाके का है, जहां पर किसान खेत जोतने के क्रम में जब उससे प्यास लगी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए चापाकल के पास जाता है, और जैसे ही चापाकल के पास प्यास बुझाने के लिए वो जाता है, वैसे ही उसके पैर में सांप काट लेता है, जिसके बाद किसान के द्वारा जो है वो सांप को पकड़कर बिहार शरीफ सदर अस्पताल टिफिन में बंद करके लाता है। और जैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर के द्वारा पूछा जाता है कि कौन सा सांप आपको काटा है, तो किसान ने टिफिन खोल के सांप को ही दिखा देता है कि ये सांप हमारे को पैर में काटा है, तब जाकर के उसकी इलाज जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अभी फिलहाल पीड़ित की हालात कैसे बताए जा रहे हैं? देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि ये जो सांप है वो कोई ज्यादा खतरनाक सांप नहीं है, इसलिए युवक का आनंद फंड में इलाज किया गया और इलाज के क्रम में फिलहाल उसकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। जी, जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश। तो तस्वीरें हम आपको नालंदा की दिखा रहे थे, जहां पर सांप डसने के बाद ये मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने सांप को टिफिन में बंद कर उसे अस्पताल ले आया और जिसके बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि युवक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।